बिजनौर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा आज बिजनौर शहर के प्रमुख चौराहों सहित मेन बाजार में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनसे अपील की। अपील के दौरान पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध वाहन स्वामियों के गाड़ी को चेक किया। इस फ्लैग मार्च के दौरान एसपी संजीव त्यागी व डीएम रमाकांत पांडे ने बिजनौर के शास्त्री चौक से पोस्ट ऑफिस होते हुए मेन बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। डीएम रमाकांत पांडे ने इस फ्लैग मार्च को लेकर बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा समय समय पर फ्लैग मार्च निकालकर जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इस फ्लैग मार्च के माध्यम से हम लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। साथ ही फ्लैग मार्च के माध्यम से हमने होटल व वाहन स्वामियों के गाड़ी की चेकिंग करी, जिससे कि किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी घटना को अंजाम ना दिया जा सके। फ्लैग मार्च के माध्यम से समय समय पर हम लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जहां उनसे अपील करते हैं, तो वही शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए फ्लैग मार्च निकालना जरूरी है। जनपद के सभी थानों की पुलिस ने आज एक साथ पूरे शहर के कई महत्वपूर्ण जगह पर फ्लैग मार्च निकालकर शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। वहीं कल दिल्ली में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर हुई हिंसक घटना के मद्देनजर भी जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक कर जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की है। आज न्यूज चैनल के लिए बिजनौर से रिपोर्टर मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट।